हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ फरवरी। ओके, पहला कार्ड हमारे पास खुद ही आ गया, क्वीन ऑफ वांड्स इन रिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स। The world, eight of cups. And ten of swords. I think Libra, queen of wands reverse में आया है। आप जिससे भी डील कर रहे हैं शायद वो इस वीक में बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहा है। ये पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो गया है, एटलीस्ट आपको ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स को सिर्फ अपने बारे में सोचने का समय है, आपके बारे में वो नहीं सोच रही है या सोच रहा है। ऑफ कोर्स जेंडर इतना मैटर नहीं करता, एंड कोई फायर साइन भी हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, बट क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में है। शायद ये पर्सन अभी तक बहुत वार्म था, बहुत फ्रेंडली था, आपकी हेल्प करने के लिए तैयार था, आपके आसपास था, एंड आपको लगता था कि इनका बिहेवियर कभी चेंज नहीं होगा। पर आपके सरप्राइज के लिए इस वीक में ये कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में है, इसका मतलब ये पर्सन चाहता है कि आप उनकी बात सुने, आप उनको समझने की कोशिश करें, आप समझें कि उनका एक अपना पर्सपेक्टिव है और उनकी अपनी कंडीशंस है। अगर आप ये बातें नहीं समझते तो वो अपने लिए स्टैंड करेंगे, क्योंकि क्वीन ऑफ वांड्स जहां भी अपीयर होता है ये पर्सन कॉन्फिडेंट है, ये पर्सन चार्मिंग है, ये पर्सन गुड लुकिंग है और ये पर्सन बहुत ही मच्योर है। मच्योर से मेरा मतलब है कि ये समझदार है, इनको पता है कि इनको अपने फ्यूचर में क्या चाहिए और क्या करना है। एंड क्वीन ऑफ वांड्स रिवर्स में आने का मतलब यह है कि आपको ऐसा लगेगा कि इनका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है और आपको ऐसा लग रहा है कि वो सेल्फिश हो गए हैं, क्योंकि वो अपने लिए सोच रहे हैं। लेकिन आई डोंट थिंक कि क्वीन ऑफ वांड्स के साथ ये पर्सन सेल्फिश हो रहा है। शायद इनसे आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप रहा है। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुतों के लिए एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो चाइल्डहुड से चला रहा हो या जिसमें आप कई साल से रह चुके हैं। और अब सिक्स ऑफ कप्स रिवर्स में है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपके लाइफ में, एंड इस चीज ने आपको फ्रस्ट्रेशन से भर दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर ये वर्क नहीं करेगा तो फिर क्या वर्क करेगा। इतने लंबे समय से आप इस पर्सन को जानते हैं, अगर इतना वक्त बिताने के बाद साथ में ये आपको अंजाम मिलता है या ये इस एंड पे आप पहुंचते हैं, आपका रिलेशनशिप इस एंड पे पहुंचता है, तो आगे क्या होप है आपके लिए, अब आप आगे क्या करेंगे। डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ आई थिंक लिब्रा आप बहुत हर्ट हैं। हर्ट है अपने पार्टनर के अप्रोच से कि उन्होंने क्या किया है, एंड टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ आई थिंक ये समय है अपने बारे में सोचने का। लिब्रा, आपको अपनी एनर्जी को दोबारा गैदर करना होगा, दोबारा इकट्ठा करना होगा, ताकि आप आगे के लिए प्लान्स बना पाए, क्योंकि टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ इस समय ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग बिल्कुल सुन पड़ गया है, एंड आप एक ऐसे पॉइंट पे आके अचानक से खड़े हो गए हैं जहां से आपको पता नहीं है कि कहां जाना है। द वर्ल्ड का कार्ड है यहां पर, वर्ल्ड के कार्ड के साथ चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में, हालांकि ये चेंजेस आपको पसंद नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो ऐसा ही लग रहा है टेन ऑफ सोर्ड्स के साथ कि ये चेंजेस आपको पसंद नहीं है और ये चेंजेस आपके कंट्रोल से बाहर हैं। ओके, शायद आपके लाइफ में ऐसा पहली बार हो रहा है कि क्वीन ऑफ वांड्स इतना स्टबन बिहेव कर रही है या कर रहा है, जिद्दी इतने ज्यादा हो गए हैं ये पर्सन, और
आपको समझ नहीं आ रहा अब इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जाए, अब आप कहां जाए, क्या करें, क्या दोबारा से आपको सब कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा? नहीं, आई डोंट थिंक कि आप आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ आप यहीं बैठे हुए हैं। आपको पता है कि आपके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स स्पेशल है एंड उनके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो आपको चाहिए। आपने एक अच्छा खासा वक्त साथ में गुजारा है, फिलहाल चाहे जितनी भी कड़वाहट हो, जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज हो, वो कुछ खास मैटर कर नहीं रही आपके लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि यहां से दो कप मिसिंग है। हालांकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये दो कप भी आपके पास होते और सिचुएशन अलग होती जैसी अभी है उससे। ओके, सो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं या ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस टू ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, Princess of Swords, Four of Pentacles, Two of Pentacles, Libra, I think कि चाहे आपको इस रिलेशनशिप में टेन ऑफ स्वॉर्ड्स ही क्यों ना मिले हो, फिलहाल आप चाहे जितने भी दुखी हो, जितना भी पेन हो, आप जितने भी सैड हो, पर आप इसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आपको पता है कि इस रिलेशनशिप में रहने का अंजाम क्या हो सकता है? हो सकता है कि आप फिर से उसी पॉइंट पे आ जाए, फिर से वही सारी चीजें हो जाए, पर कोई बात नहीं, मैं खुश हूं। कोई बात नहीं, अगर मैं सैड हूं तो भी मैं इसी रिलेशनशिप में खुश हूं, और कोई रिलेशनशिप मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो सकता। मुझे मेरा सिक्स ऑफ कप्स वाला पर्सन ही चाहिए, मुझे मेरी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ही चाहिए, मुझे मेरा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जेंडर जो भी हो आपके केस में, वही पर्सन चाहिए। एंड यहां पे द चैरियट का कार्ड है, सो अगेन आप किसी वाटर साइन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। यहां पे द चैरियट का कार्ड है, द चैरियट के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस है, एक बेचैनी है, क्योंकि आप कुछ देख नहीं पा रहे। शायद आपका इस पर्सन से कम्युनिकेशन बंद है इस वक्त, या फिर आप उनके कांटेक्ट में नहीं हैं, और अगर है भी तो ज्यादा चीजें आपके सामने नहीं है एंड आपके आंखों पे ये ब्लाइंड फोल्ड है। शायद इस पर्सन के टच में आने के लिए आप डेस्परेट हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि उनके बारे में आपको कुछ पता चले थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू रिलेटिव्स और किसी भी तरीके से। सो यहां पे प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स फॉर प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स को लगता है कि आपने उन्हें छोड़ा है, उन्हें यह लगता है कि ये आपकी गलती है अगर आप उनका एक भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपको थोड़ा सा इलास्टिक होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सीबल होना चाहिए एंड प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स को उम्मीद है कि आप उनकी बात समझेंगे, क्योंकि ये पर्सन सच में स्टबर्न लग रहा है, काफी स्टबर्न लग रहा है इस वीक में। या फोर ऑफ पेंटिकल्स है, फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ फैमिली, फ्रेंड्स एंड बाकी सारी चीजें ठीक है आपके लिए एंड ब्लेसिंग्स भी है सबकी तरफ से, बट देन यहां पे आपको प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स से डील करना है इस वीक में। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। माइंड
Master Jesus, forgiveness. You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. So, Jesus आपसे कह रहे हैं कि आप सही रास्ते पे हैं और रोशनी की तरफ बढ़ रहे हैं और फॉरगिवनेस आपको माफ करना सीखना होगा लिब्रा. इनकेस अगर आप हर्ट भी हुए हैं तो आपको माफ करना सीखना होगा. जब तक आप माफ नहीं करेंगे ये टेन ऑफ सॉर्ट्स कहीं नहीं जाएंगे. आप कभी भी खुशी नहीं महसूस कर पाएंगे. फादर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम. अगर आप अपने आप को अलाउ करते हैं नेगेटिव एनर्जी से बाहर आने के लिए तो आप इस चीज से रिकवर कर लेंगे. इस चीज को आप पीछे छोड़ देंगे अपने पास्ट में. तो ये थी रीडिंग इस फरवरी के थर्ड वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.